हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक रोजा फैमिली ब्लॉग। कैसे सब बताइएगा, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत ही बढ़िया है। एंड आज आपके लिए मैं एक बहुत ही सुंदर सा डेलिशियस रेसिपी लेके आया हूँ, जिसका नाम प्रॉन डालना। तो प्रॉन में आप बहुत सारा रेसिपी खाया होगा, जैसे कि प्रॉन करी, प्रॉन चिल्ली, बहुत सारा खाया होगा, लेकिन प्रॉन डालना कभी खाया नहीं होगा। तो आज मैं आपके साथ प्रॉन डालना शेयर करने वाली हूँ। होप कि बहुत ही यूज़फुल होगा एंड बहुत ही डेलीशियस, बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही इजीली बनता है, लो ऑयल एंड विदाउट मसाला में, नो मसाला में। सो फ्रेंड्स, प्रॉन डालना के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको मैं पहले बता दूंगी, फिर उसके बाद ही आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी शेयर कर लूँगी। होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कर लीजिए। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ पास में जो बेल बटन है उसे प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। इतनी सी बात है तो ये होप रहेगा कि आप सब वीडियो को फुल्ली एंजॉय करेंगे। उसके बाद जो भी करनी है करेंगे, लाइक तो ज़रूर करना एंड कमेंट्स करने के लिए, सुंदर सुंदर कमेंट्स करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलना। चलिए, प्रॉन्स डालने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए एंड वो कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, प्रॉन डालना के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स प्रॉन है। तो देखिए, यहाँ पर मैं छोटा साइज़ का प्रॉन लिया हूँ, बिल्कुल छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा साइज़ का लेंगे, मीडियम साइज़ का होगा। इसको हम पहले अच्छे से छील लेंगे, छीलने के बाद अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद इसको मैरिनेट करते हैं। तो सेकेंड क्या है, तो सेकेंड इसके लिए क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर मैं मूँग दाल को फ्राई कर रहा हूँ। तो मूंग दाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉन के हम प्रॉन का दालना बनाते हैं, तो इसके लिए प्रॉन के साथ हमको मूंग दाल ही लेना होगा। तो मूंग दाल को हम ऐसे सब्जी बनाए या फिर दालना बनाए, कुछ भी बनाए, तो मूंग दाल को ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है एंड वो खाने में भी उतना खुशबूदार नहीं होता है। इसीलिए जब भी हम मूँग दाल में कुछ बनाते हैं, मूँग दाल को पहले अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, लगभग 7-8 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं, एक सुंदर सा खुशबू आता है। तब कोई कोई मूंग दाल का कलर से पता नहीं चलता, तो मूंग दाल का एक सुंदर सा खुशबू आता है फ्राई करने की वजह से, तब हमको पता चलेगा कि मूंग दाल हमारा फ्राई हो चुकी है। मिनिमम तो 5 मिनट तक फ्राई करनी है। इसके बाद क्या करनी है दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर एक प्रेशर का पैन लिया हूँ, इसमें 2 ग्लास पानी ऐड की हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं आलू को धो रही हूँ। यहाँ पर मैं छोटा आलू लिया हूँ, मतलब कि जो बेबी पोटैटोज होता है, बड़ा साइज़ का आलू यूज़ नहीं करेंगे। अगर नहीं होगा छोटा आलू तो बड़ा साइज़ आलू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेबी पोटैटोज बहुत ही डिलीशियस एंड हेल्दी बनता है एंड खुशबूदार भी, टेस्टी भी। तो आलू देने के बाद देखिए, यहाँ पर जो मूंग दाल फ्राई करके रखी थी, यहाँ पर मैं धो रही हूँ। यहाँ पर मैं जितनी आलू उतनी ही मूँग दाल लिया हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 250 ग्राम आलू में 250 ग्राम मूंग दाल लिया हूँ, है ना। तो देखिए, मूंग दाल को मैं अच्छे से धो लिया, फिर इसमें आवश्यक हिसाब से नमक ऐड कर दिया, जितना हमको चाहिए जो प्रॉन डालना ने। नमक देने के बाद हम यहाँ पर मूंग दाल को अच्छे से धो के ऐड कर दिया है। इसमें अभी हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर एंड थोड़ा सा शक्कर। हल्दी पाउडर स्वाद हमको जितनी चाहिए उतनी ले लिया, फिर शक्कर भी थोड़ा सा पिंच ऑफ शक्कर डाल दिया। यहाँ पर एक 2 बड़े साइज़ के टमाटर भी डाल दिया। देखिए, ये हमारा रेडी है। इसको हम सीटी देने के लिए रेडी कर लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं, फिर ढक्कन में कवर करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 सीटी ही देंगे, 2 से ज़्यादा नहीं देंगे। तो ये सीटी देने के अंदर ही अंदर हमको प्रॉन को भी फ्राई करनी है। तो चलिए, प्रॉन को फ्राई करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं प्रॉन को अच्छे से छील के धो के रखा हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक एंड हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। मिलाने के बाद दिखाती हूँ इसके लिए क्या क्या हम मसाला लेंगे, है ना। तो देखिए, मसाला मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ प्याज लिया हूँ एक छोटा साइज़ का एंड लहसुन 1 बूंद। तो लहसुन को ऐसे करके ना कूट लेते हैं, आधा आधा करके कूट लेंगे, मैं नहीं तो बारीक कटा हुआ लहसुन। देखिए, यहाँ पर मैं
प्रॉन का सब्जी सॉरी प्रॉन का फ्राई बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल दिया हूँ। ये कढ़ाई मेरा नॉन वेज का कढ़ाई फिश फ्राई हुआ था तो ऐसे ही रखा था, तो प्रॉन को ऐसे ही फ्राई कर दूँगी। प्रॉन को थोड़ा सा मिलाने के बाद इसको ढक्कन में कुछ टाइम के लिए कवर कर लेंगे ताकि हमारा प्रॉन जल्दी हो जाएगा। तो इसको कुछ टाइम के बाद कवर करने के बाद अभी खुल के देखते हैं। शो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर प्रॉन हमारा अच्छे से हो चुकी है। यहाँ पर लहसुन को एंड प्याज को टू टाइप ऑफ प्याज को कट करके रखा हूँ। यहाँ पर आलू हमारा बॉइल हो गई, आलू और दाल टमाटर। यहाँ पर सरसों का थोड़ा सा तेल और दे के हरा मिर्ची को ऐड कर दिया। हरा मिर्ची ऐड करने के बाद इसमें दे रही हूँ मैं जीरा। जीरा देने के बाद इसको हम लगभग 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। 2 मिनट के बाद हम इसमें लहसुन को दे देंगे। यहाँ पर आप बारीक कटा हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं एंड आधा चचा हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कि आधा कुटा हुआ। तो देखिए यहाँ पर मैं लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन ऐड करने के बाद इसको कुछ टाइम के लिए मिलाते हैं, जैसे कि 2 से 4 मिनट तक मिलाते हैं। लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और फिर लहसुन का खुशबू आने लगे, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। यहाँ पर मैं बहुत ही कम लहसुन और प्याज लिया हूँ, अदरक यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो प्याज में बहुत ही छोटा साइज का लिया था। देखिए यहाँ पर प्याज को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको और कुछ टाइम के लिए मिला लेते हैं। तो बहुत ही कम ऑयल एंड बहुत ही कम मसाला में बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्याज और लहसुन में, लो ऑयल एंड लो मसाला में इसलिए बताया था। फिर ये ना हमारे लिए बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी होता है, शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। देखिए प्याज को मैं 2 टाइप कट करके रखा था, एक बारीक कटा हुआ, एक बहुत ही पतला पतला करके रखा था। इसको भी 2 टाइप का प्याज ऐड कर दिया। तो इसको अभी हम मिलाते हैं कुछ ही टाइम के लिए, मतलब कि 3 से 4 मिनट के लिए इसको मिलाते हैं। जब ये मिल जाएगी फिर इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉन। तो देखिए प्याज लहसुन एंड हरा मिर्ची का कम्बिनेशन बहुत ही सुंदर सा खुशबू भी आता है, खुशबूदार के साथ डेलिशियस एंड हेल्दी भी होता है। तो देखिए मसाला का कलर हमारा थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे जो फ्राई करके रखे थे प्रॉन, उसको ऐड कर देंगे। प्रॉन को ऐड करने के बाद इसको कुछ टाइम के लिए मिला लेते हैं, जैसे कि 2 से 3 मिनट तक मिला लेते हैं प्रॉन के साथ। एंड प्रॉन के साथ मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमारा बॉइल्ड करके रखे थे ना मूंग दाल आलू। यहाँ पर ये जो फिश दिया हूँ मैंने, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर, अगर घर में होगा तो ऐड कर देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉन में बनना चाहिए। लेकिन ये फिश मेरे घर में था बचा हुआ तो मैं इसमें डाल दिया है ना। तो देखें यहाँ पर इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा जो बॉइल्ड हुआ आलू मूंग दाल टमाटर, उसको डाल देंगे। तो कितना इजीली बनता है देखिए, कितना आसानी से बन जाता है कि खुशबूदार एंड डेलीशियस। एक बार बनाएंगे ना, बार बार बनाने का ज़रूर मन करेगा। एक बार आप बना के खाएंगे तो हर रोज़ बना के खाने के लिए मन करेगा। तो देखिए अभी हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। एंड इसमें अभी हम डाल लेंगे जो मूंग दाल आलू और टमाटर को बॉइल करके रखे थे, तो इसको उसको डालने के बाद इतना सुंदर सा खुशबू आएगा क्या बताऊँ। मैं ना ये रेसिपी हफ्ते में 1-2-3 बार बनाती तो हूँ, कभी शेयर नहीं की थी। तो देखिए यहाँ पर मैं डाल दिया मूंग दाल को, मैं कैसे बॉईल किया हूँ ये देखिए। 2 सिटी के बाद मूंग दाल को आधा से ज़्यादा बॉईल होने के लिए ना दे, नहीं तो ख़राब हो जाएगी, मतलब कि टेस्ट ख़राब हो जाएगी। तो अभी इसको सारी के सारी हम कढ़ाई में डाल देंगे एंड इसको बॉइल्ड होने के लिए छोड़ देंगे, मतलब कि उबल, जब 2 उबल आ जाएगी फिश के साथ अच्छे से ये मिल जाएगी, तो हम इसको गर्मा गर्म सर्व करके पूरी के साथ, रोटी के साथ एंड नान के साथ या फिर चावल के साथ, चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर टाइम हम चावल के साथ ही खाते हैं, क्योंकि हमारा ओडिशा में चावल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। स्पेशली जो नॉनवेज लवर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही डेलिशियस, इजी एंड हेल्दी रेसिपी होगा। एक बार ज़रूर बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
तो होप कि आज का ये रेसिपी आप सबको अच्छा लगी है, स्पेशली नॉन वेज लवर्स को। तो अच्छा लगी तो सुंदर सुंदर कमेंट्स करना, लाइक करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलना। चैनल में नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के साथ साथ पास में जो बेल बटन है उसे प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरा सारी वीडियो आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक टेक केयर।